हेलो वेल, सो बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। करंट प्राइस है 8.28, 1.43% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, शेयर करेक्शन में चल रहा है और एक और रीज़न है कि आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। रीज़न था कि फ्राइडे को यूएस मार्केट डाउन थी। रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्यों गिरावट चल रही है। सेबी की तरफ से 20% का सर्किट है, इसमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 778 करोड़ का है, कम हो रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज जब से रिजल्ट आया है क्वार्टर वन का, तब से गिरावट है शेयर में। माना कि 1% के अराउंड ही गिरावट हो रही है, बट डेली गिरावट ही है, तो आप करेक्शन में ही समझिए शेयर को। 7 रुपीज़ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करेगा। फार्मा सेक्टर का एक पैनी स्टॉक है, बाइंग में आप रैक 20,000 एंड सेलिंग में 5,54,000। तो फ्रेंड्स, सेलिंग में ज़्यादा है, दैट्स वाई हमें एक नेगेटिव रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है न्यू, तो उसको समझेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या ऑफिशियली अनाउंस किया है। 27 अगस्त को 2 ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट प्रॉपरली टाइम पे सारी अनाउंसमेंट्स को अपलोड करता है, डॉक्यूमेंट्स को। तो फ्रेंड, ये जो है अनाउंसमेंट, ये है रिलेटेड टू एनुअल जर्नल मीटिंग। सिनकॉम फॉर्मुलेशन का Q1 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद एनुअल जर्नल मीटिंग होनी होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी एनुअल जर्नल मीटिंग होगी 19 सितंबर 2022 को थ्रू वीडियो कॉल। टाइमिंग भी इन्होंने मेंशन किया है 2 PM। सो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट। सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर सबमिशन ऑफ 34th एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग 19 सितंबर 2 PM पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यही वो इन्फॉर्मेशन है जो इन शॉर्ट मैंने आपको दे दी है। सो फ्रेंड्स, जानते हैं सेकंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं एंड जानते हैं कि मैनेजमेंट ने दूसरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में क्या बताया है जो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। सो सबमिशन ऑफ द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। तो एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000। तो BSE की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, बट अगर आप इस शेयर के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस रिपोर्ट कैसी आई है फॉर द ईयर 2021 to 2022। आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ द कंपनी, वेबसाइट, ईमेल ID, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, सेकेंड ट्रेडिंग इन कमोडिटीज में भी काम करती है ये। जो इनके लिस्ट है उसमें इन्होंने क्या क्या मेडिसिंस लिस्ट की हैं वो है सारा मेंशन। कितनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो अभी तक इनकी 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। सो इंडिया के अलावा इनका अफ्रीका में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। पेड कैपिटल इनके पास अभी कितने करोड़ की है वो सब मेंशन है। टोटल टर्नओवर कंपनी का मेंशन है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी मेंशन है। सारी चीज़ें इन्होंने एक बिजनेस रिपोर्ट के थ्रू बताई है। तो मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, बिजनेस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। बस अभी करेक्शन में है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो इस पर, तो आपको एक अच्छा रिटर्न बनने को ज़रूर देखने को मिलेगा। सो यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं BSE की साइट पे, बट आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। सो फ्रेंड्स, अब ये करेक्शन कब जाके रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगी, और इसमें 20% का सर्किट है, अपर सर्किट है, लोअर सर्किट में, वो हमें कब देखने को मिलेगा। 80% की डिलीवरी उठाई गई है, 9 लाख समथिंग शेयर ट्रेड हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। रिजल्ट में इनका एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मानिए, बट जो थोड़ा जून का था, इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए करेक्शन में है शेयर। बट प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.57% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सो टारगेट्स क्या लेके चलेंगे आप? तो फ्रेंड्स, आप लेके चलिए इसमें टारगेट 8.70 का अप ट्रेंड में एंड 8 रुपीज़ का लोअर साइड। तो चांसेस हैं कि अभी लोअर साइड ही जाएगा, 8 रुपीज़ को टच कर सकता है ये। सो मैंने आपको टारगेट्स बता दिए और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अच्छी तरह समझा दी। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।